कांग्रेस ग्रुप हमारा बजट देख करके लोगों को साफ सुन लिया है और इधर देख की बात कर रहे हैं। पंजाब में देखो आएगा, पंजाब कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो साफ हो गए। यूपी में जो अभी तक है कि विपक्ष जो है जिन बच्चों से कम है अभी भी जितने बच्चे। चलिए भूपेन अग्रवाल जी प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले दो महीने से गगन बिहारी हो गए थे। छत्तीसगढ़ कम आते थे, यूपी में ज्यादा जाते। हम लोगों को बहुत दुख है इस बात का कि छत्तीसगढ़ का पैसा लगा तो भी काम नहीं आया। तो प्रश्नकाल स्थगित कर दिया। पैसा गया भाई, पूरे देश में चर्चा थी कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी बार उत्तर प्रदेश क्यों आ रहा है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। अरे उत्तर प्रदेश में गंगा जी आ रहा है, उत्तर प्रदेश में गंगा जी, छत्तीसगढ़ में जो पाप किया उसका धोने के लिए देख लीजिए अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ स्थिति देख लीजिए। हम लोग गए थे तो हमसे पूछते थे। आप शून्य काल में बात कर लीजिएगा। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के टक्कर नहीं दे पाए माननीय अध्यक्ष महोदय, अकेले पुन्नूलाल जी को, ये जितने गए थे वो सब। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बीओसी में कुछ कितने मजदूर रजिस्टर्ड हैं और कितना पैसा वर्तमान में जमा है, जरा इसकी जानकारी दे दें। बहुत सरल पूछ रहे हैं आपसे, इतने सरल प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। कौन देंगे उत्तर? आप हाँ है माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको बता रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 20,41,557 हमारे श्रमिक जो है वो पंजीकृत हैं और लगभग इस साल की एक टेंटेटिव उसका जानकारी वो माननीय सदस्य कहेंगे इसमें है नहीं, वो कहेंगे तो मैं उनकी जानकारी अलग से बता दूंगा। नहीं राशि कितनी? अरे एक मिनट, तो मामला है, कल मुख्यमंत्री जी सदन में भाषण देते हैं ना जमा है। ये श्रम के आधार पर काम करने वाली सरकार है, श्रमिकों का 600 करोड़ रुपए जमा है, 600 करोड़ पूरे कोरोना काल में एक पैसा नहीं बांटा। वहां है श्रम की सरकार, श्रम के सम्मान करने वाली सरकार, 600 करोड़ रुपए, 600 करोड़ नहीं जमा है माननीय अध्यक्ष महोदय। इनको कौन बता दिया 600 करोड़ जमा है? आपको कौन बता दिया? बैंक स्टेटमेंट लेकर आए क्या? आप बता दीजिए कितना जमा है, आप बता दीजिए कितना जमा है, तो हम जानकारी बता देंगे। पूछा नहीं था, हम पता करके बता देंगे। बाकी लोगों के प्रश्नों में तो बहुत खड़े होते हैं, अपने प्रश्न का जवाब दो ना। तो जवाब तो दे रहा हूं, जवाब था और अभी तक जो प्रश्न पूछोगे जवाब तो उसी का दूंगा, जो प्रश्न पूछोगे उसी का जवाब दूंगा। मंत्री को इस भाषा में बात नहीं करना चाहिए। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछ रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भाषा में बात करेगा प्रश्न काल में जो ठीक नहीं है, हम निर्णय कर लेंगे इनके प्रश्नों का बहिष्कार करने का। ये बड़ी दुर्घटना का कारण एक नेता की विधानसभा बनने वाला। अगर एक देखिए परसों भी घटना दुर्घटना हो रही थी, मैंने उसको रोका। आज मेरे ही प्रश्न के जवाब में मंत्री को प्रश्न का जवाब देना है, उनको सरलता से सादगी से जवाब देना। देखिए मेरी बात सुनिए माननीय मंत्री, तो जवाब दे रहे माननीय अध्यक्ष माननीय मंत्री जवाब दे रहे माननीय जी। माननीय अग्रवाल जी आप इस स्टाइल में क्यों जा रहे हैं? आप भी इतना उत्तेजित होकर प्रश्न मत करिए। सुने बिना ही इतना उत्तेजना। माननीय मंत्री जी के बोलने का स्टाइल वही है। अरे भैया जैसे अजय चंद्राकर जी। चलिए बच्चे दोनों तरफ से उत्तेजना पे थोड़ा सा। अच्छा माननीय मंत्री जी ये जवाब दे दें कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब बीओसी में कितने पैसे जमा थे और कितने मजदूरों को आपने बताया 20,157,000 मजदूर रजिस्टर्ड हैं, तो कितने मजदूरों को पिछले 3 सालों में 20 लाख में से फायदा दिया गया और कितना पैसा खर्च किया गया, वर्तमान में कितना पैसा अभी जमा है? बस शालीनता पूर्वक उत्तर आप भी दे दीजिए। ऐसे पूछे ना आदि माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको जवाब दे रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे सदस्य भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विद्वान सदस्य ने पूछा है, ये 2019, 2020, 2021 और 2022
इन वर्षों का इन्होंने जानकारी मांगा है, उसमें 2019 में जो आवेदन प्राप्त हुए थे 31,094, उसमें लाभान्वित 2,997 लोगों किया गया है। व्यय राशि 1,98,52,070 रुपए थी माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आप पूछ रहा हूं, एमडी का जवाब दे रहे हैं। जी जी जी, जवाब तो सुन लीजिए, फिर पूरा दे देता हूं ना आपको। आने दीजिए जवाब, काफी लंबा समय अभी। आप पूरा विस्तार से जी, तो बेहोश ना हो जाता तक आप जवाब दीजिए। हाँ, ये तीनों चारों साल का बता देता हूँ, जितना आपने पूछा है उसको पूरा बता देता हूँ। और ये परिशिष्ट सा बा और आ में तीनों में दिया हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी को तो वो दोबारा पूछ रहे हैं जिसका जवाब मैं दे दिया हूँ। चलिए कोई नया प्रश्न। अभी अभी मैं बता रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ, सुनिए ना माननीय अध्यक्ष जी, मेरे स्पष्ट प्रश्न है। सवाल करिए तो हंस के जवाब देंगे। मैं हंसते हुए ही बात कर रहा हूँ। जब मंत्री जी कुछ ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं तब नाराजगी होती है, अन्यथा हम लोग तो नाराज होते हैं। मोहन भैया घर में लड़ाई करके आए हैं लगता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बना उस दिन इस बीओसी में कितने पैसे जमा थे, पिछले 3 सालों में कितने पैसे आए, वर्तमान में कितने पैसे जमा हैं, और 20 लाख मजदूरों में से 3 साल में कितने मजदूरों को फायदा दिया गया। मैं शुरू से यही प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे स्पष्ट जवाब दे। जवाब दे रहे हैं, चलिए दे देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नया राज्य बना था तो बीओसी का गठन ही नहीं हुआ था, तो उस समय तो 1 भी रुपया जमा नहीं था। अच्छा, वेरी गुड। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2008 में बीओसी का गठन हुआ। मैं 3 वर्षों का पूछ रहा हूँ, सरकार बनने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, कि 3 वर्षों का। हाँ, 3 वर्षों का मैं आपको बता देता हूँ, 3 वर्षों का मैं आपको बता देता हूँ। अभी वर्तमान में 3 वर्षों में 561 करोड़ रुपया जमा है, ये पूछिए ना, मैं आपको बताता हूँ। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 5/9/2008 से इसमें इनकी सरकार थी, उसका मैं बता देता हूँ पूरा। 3 वर्षों का अध्यक्ष जी, मैं पूरा सुनूंगा। अच्छा, 3 वर्षों का ही बता देता हूँ, फिर उनका भी बता दीजिए, इनको 3 वर्ष से मतलब है। मैं अभी 3 वर्षों का भी बता देता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय का 2008 से लेके 2019 तक का, 18 तक का इनका बता देता हूँ, उसके बाद फिर मेरा भी सुन लीजिए। आप पहले अपना बता दो, बाद में उनका बताओ क्या। हाँ माननीय अध्यक्ष, मैं अपना बता देता हूँ फिर इनका बता दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपना तो हम जानते हैं। तय कहाँ जाना था, जानते तो जवाब बातें नहीं दी। ठीक से बात करते हैं, ठीक से बीच में अड़ंगा क्यों डालते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में क्यों बोल रहा है मेरे प्रश्न के। चलिए शांति से बैठिए। सब लोग बैठ जाए। माननीय अध्यक्ष जी, सभी सदस्य प्रश्न कर रहे हैं, हम इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, जरा इसको आप देख लो। अग्रवाल जी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो पीछे उत्तेजना होने की क्या जरूरत है, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।